Hi Gurgaon moms, this is Manish Patni and I am back with another recipe for you. I hope you have tried my previous recipes and you like them. Today we are going to make Kala Chana Masala. Kala Chana Masala aap paratha, rice, puri kisi ke bhi saath kha sakte hain. चना मसाला बनाने के लिए हमने लिया है करीब 3 कटोरी काला चना, जिसको हमने रात भर पानी में भिगो दिया है। अब हम उसको बॉईल कर लेंगे, प्रेशर कुक कर लेंगे अलग से, वाइल वी आर कुकिंग द मसाला। हमने करीब 4 प्याज और करीब 5 टमाटर लिए हैं, कुछ 1-2 हरी मिर्ची हैं। आलू हमने लिए हैं, आलू को हम मसाले के साथ अलग से कुक करके एंड चने में हम ऑप्शनल है मिक्स करके खा सकते हैं। कुछ चने हमने अलग से निकाले हैं जिनको कि हम पीस के और ग्रेवी में डाल सकते हैं इन केस हम ग्रेवी को थोड़ा सा थिक करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शनल है। इसके अलावा हमने लिया है हरा धनिया को गार्निशिंग, दिस इज पॉपी सीड पेस्ट पोस्तदाना, नमक, सूखा धनिया, तेज पत्ता गर्म मसाला, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च, हींग और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो अब हम प्याज और टमाटर को अलग से पीस लेंगे और चने को हम प्रेशर कुकर में कुक होने के लिए रख देंगे। चने को कुक करते हुए हम उसमें पानी में हल्की सी हल्दी मिला देंगे और हल्का सा नमक फॉर बेटर सीजनिंग। इसके अलावा जो इसका पानी बचेगा उस पानी को हम अलग रखेंगे एंड दैट वाटर कैन बी यूज टू ऐड टू द ग्रेवी, उससे चने का फ्लेवर थोड़ा सा और एनहांस हो जाएगा। खास बात आप इसमें ये देखेंगे कि हमने कहीं पे भी चना मसाला रेडीमेड मसाला या मसाला पाउडर जो आता है चना बनाने के लिए, हमने कहीं भी वो यूज नहीं कर रहे हैं। काले चने मैंने हल्के गर्म पानी में भिगो दिए, अगर आप चाहें तो इनको आप ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने काला चना कुक कर लिया है प्रेशर कुकर में एंड टोमेटो भी क्रश कर लिया है और अनियन भी। वी विल नाउ स्टार्ट कुकिंग इट। उसके लिए हम पहले चना अलग कर लेंगे, उसका पानी अलग कर लेंगे, उसको फिर हम पके हुए मसाले के अंदर धीरे धीरे ऐड करेंगे। विल शो यू हाउ टू डू इट। सो फ्रेंड्स, अब तेल गरम हो चुका है और इसमें हम अब जीरा ऐड करेंगे और तेज पत्ता ऐड करेंगे। और इसी के साथ हम इसमें प्याज भी ऐड कर देंगे। और साथ में ये लहसुन और अदरक का पेस्ट अभी हम आधा ही डालेंगे, फिर हमें जरूरत लगेगी तो हम थोड़ा सा बाद में और ऐड कर सकते हैं अगर चाहिए, एंड हींग थोड़ा सा। जब ये प्याज पक जाएगा तो इसके अंदर फिर हम टोमेटो जो हमने पीस के रखा है उसको हम डालेंगे। और अभी हम इसमें पोस्तदाना जो पॉपी सीड्स का पेस्ट है वो भी हमने डाल दिया। प्याज थोड़ा पक चुका है, इसमें अब हम टोमेटो जो हमने पीसा था उसको ऐड करेंगे और जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, पानी थोड़ा कम हो जाएगा, उस स्टेज पे हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। आई एम यूजिंग हांडी कुकर बिकॉज इसमें एक फायदा ये है, एक तो उसका ऊपर का फेस जो है वो वाइड होता है और दूसरा आप इसी में सर्व कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू ट्रांसफर दिस होल थिंग टू अनदर रेसिपी। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे।
सूखा धनिया, आप अंदाज से डालें पर सूखा धनिया की क्वांटिटी बाकी मसालों से ज्यादा रहेगी। ये हम इसमें नमक डाल रहे हैं, नमक आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, सो अभी इस स्टेज पे मैं थोड़ा कम नमक डाल रहा हूँ बिकॉज कई लोग नमक कम खाते हैं। लाल मिर्च, गरम मसाला हम इसमें बाद में डालेंगे, हल्दी हम पहले ही डाल चुके थे बिकॉज हल्दी डालने से मसाला थोड़ा उछलता नहीं है। अब हम इसको पकने के लिए थोड़ा छोड़ देंगे। इसके पकने का इंडिकेशन है कि मसाले में दो चारों तरफ थोड़ा सा ऑयल आने लगेगा, एट दैट स्टेज यू कैन बी श्योर दैट इट इज नाउ कुक्ड। मसाला अब पक गया है तो हम इसमें चना डालेंगे, क्योंकि हमने चने में थोड़ा पानी इस बार कम रखा है इसलिए हमने अलग अलग नहीं किया, एंड वी विल मिक्स द चना अलॉन्ग विथ द वॉटर। ये पानी आप अलग से मत फेंकिएगा बिकॉज इस पानी का फ्लेवर बड़ा अच्छा होता है चने के लिए, एंड आई विल जस्ट ऐड द होल थिंग टू दिस। अब इसको हम 10 से 15 मिनट पका लेंगे चने को। आइडली इस पे हम एक मिनट का एक सिंगल विसल हम अगर ले लें तो वो बेटर रहेगा, बट 15-20 मिनट आपको चने को पकाना चाहिए जिससे मसाला चने के अंदर अच्छे से आ जाए। इधर हमने ये मसाले की मिर्ची और आलू हमने तैयार कर लिए हैं। आलू में हमने लाल मिर्च और अमचूर के साथ उसको थोड़ा सा फ्राई किया है। दिस वी विल हैव इट विद द चना। टू एड अ लिटिल मोर स्मूथनेस टू द ग्रेवी हम इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर देंगे, एंड नाउ वी विल लेट इट कुक फॉर अबाउट 15-20 मिनट्स। टिल दैट टाइम वी विल मेक चपातीज एंड गेट रेडी टू हैव द चना। सो फ्रेंड्स, चना मसाला तैयार हो चुका है, हमने एक विसल लिया था इसमें। नाउ वी विल ऐड अ लिटिल बिट ऑफ गरम मसाला, नमक आप थोड़ा सा अपने अंदाज से डालें क्योंकि बॉईल करते वक्त भी चने में नमक और हल्दी रहता है तो कहीं ज्यादा ना हो जाए। वी विल गार्निश इट विथ हरा धनिया, एंड हियर यू आर रेडी टू गो। नाउ वी विल जस्ट सर्व इट एंड एंजॉय द काला चना मसाला। सो फ्रेंड्स, चना मसाला इज सर्व। हमने जो पोटैटो तैयार किया था आलू मसाले वाला वो भी है। वी हैव गॉट स्टफ्ड हरी मिर्च एंड दिस फाइनली चॉप्ड अनियन, लच्छा अनियन विथ मसाला पुदीना एक्सेट्रा, एंड गरम गरम चपाती। सो हियर आई गो एंड एंजॉय इट। ट्राई एंड एंजॉय।